Assalamualaikum, good morning, welcome to the show. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमो साहिब. उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे. एक और सुबह में आपको वेलकम कहते हैं. नाश्ता हो गया होगा या हो रहा होगा, ठीक है, आप जिस भी जगह पर हैं, ठीक है, तो मेरे सुनने वाले, मेरे देखने वाले, आप सभी को हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें और ये प्रोग्राम अगले एक डेढ़ घंटे तक तो देखते ही रहिए. आज क्योंकि जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, कहा जाता है कि मल्टी टैलेंटेड होना एक अच्छी बात है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होकर आप कितनी देर रह सकते हैं? एक साल, दो साल, तीन साल? कभी ना कभी आपको वो कहते हैं ना कि दो फील्ड्स ऐसी कि एक फील्ड जिसमें आपको बिल्कुल लोगों का ख्याल रखना है और वो एक ऐसा वो शोभा है जिसके अंदर आपको पूरी लगन के साथ काम करना है. मेरी बात है डॉक्टर्स हमारे जितना वो सर्व कर रहे हैं और खासतौर पर ये पेंडेमिक की सिचुएशन थी उसके साथ साथ वो शख्सियत ऐसी हैं, उनकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन जब उनके मैंने इंटरव्यू सुने तो उन्होंने एक बात बोली कि उनका एक शोभा तो है इंसानियत को सर्व करना, लेकिन दूसरा जो है वो भी इंसानियत को सर्व ही करना है और वो भी एक किस्म की मेडिटेशन है. तो दूसरा शोभा है मौसीकी का, गायकी का, म्यूजिशियन है और काफ़ी लोग पहचान चुके होंगे कि जहाँ पर एक म्यूजिशियन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, हमारी अपनी प्यारी डॉक्टर मासूमा अनवर साहिबा हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अरे बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए. बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए. उनको बताना चाहूंगी कि जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपकी वालदा का नाम रेशमा है. जी बिल्कुल, ये तो आप कह भी नहीं सकते कि जब मैं मीडिया पे एंटर हुई थी तो एवरी बिट एक धमाका सा हुआ था कि रेशमा जी की बेटी आ गई. हाँ बिल्कुल. और मैं भी कहूँ कि कौन आ गई है, ये तो बात मेरे बारे में हो रही है लेकिन ये कौन है. तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए इसलिए फख्र की बात थी कि शी इज अ लेजेंड, नो डाउट, और बहुत बड़ा मुल्क का नाम है, बल्कि इंटरनेशनली फेम्ड आर्टिस्ट है वो. और जब उनसे मनसूख किया गया तो बहुत खुशी हुई, लेकिन ये कि उनकी बेटी बहुत सारे लोगों ने उनसे सीखा और अब लोग उनको सुन के सीख रहे हैं. लेकिन ये गूगल ने जो है ना हमें कंफ्यूज किया हुआ है. पहले भी हमारे साथ ये एक दफा हो गया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही है. वेल आप ये बताएं मॉर्निंग की रूटीन क्या होती है? मॉर्निंग की रूटीन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज आई हैव टू वेक अप एट 7 बिकॉज मैंने हॉस्पिटल जाना होता है. तो सुबह उठ के घर से मैं नाश्ता करके नहीं जाती हूँ, बिकॉज आई एम अ वेरी लेजी पर्सन. कौन चूल्हे के सामने खड़ा हो, तो आई गो टू द हॉस्पिटल, वहाँ पे आई टेक अ कप ऑफ कॉफी और फिर मेरा मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग राउंड्स शुरू हो जाते हैं एवरीथिंग. और जब घर पे मैं होती हूँ तो घर पे आई मेक श्योर कि आई स्लीप टिल 12 एटलीस्ट, बिकॉज मेरी जब 18 आवर्स की शिफ्ट होती है तो सोने का इतना टाइम नहीं मिलता और मेरा 5 साल का बेटा भी है, तो आपको फिर वो फैमिली टाइम, हस्बैंड टाइम और फिर हॉस्पिटल, फिर साथ ये, तो यू वो आप कितने का बट जाते हैं बिल्कुल बहुत चीज़ों में. तो आई मेक, हालांकि मेरी नींद बहुत कम है लेकिन आई मेक श्योर कि मैं थोड़ी सी नींद कर लूँ जब व्हेनेवर आई हैव. अच्छा मुझे बताएं हर चीज़ को बैलेंस कैसे करती हैं, फैमिली लाइफ को, डॉक्टर बनने को और सिंगर होने को, हर चीज को कैसे मैनेज करती हैं? देखें यार, पहले तो मैं आपको बताऊं कि बैलेंस आउट इसलिए हो जाता था बिकॉज सिर्फ मेरी जिंदगी में पढ़ाई थी और म्यूजिक था. आप उठ रहे हैं, जा रहे हैं अस्पताल, या आई रिमेंबर कि जब मेरा फर्स्ट ईयर MBBS में दाखिला हुआ था तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन भी तब था बिकॉज मेरी फैमिली में 30-35 डॉक्टर्स हैं और मेरी फादर ने कहा हुआ था कि आपने बनना डॉक्टर ही है बेटा, और मेरी माँ ने कहा था बेटे डॉक्टरी भी करनी है और साथ मेडिसिन सिंगिंग भी करनी है. ये फिर अम्मा जी की भी चली और अब्बा जी की भी चली, इसके ऊपर भी बात करें. पहले एक सेगमेंट है, हमें उसकी तरफ बढ़ना है. पर्सनल ग्रूमिंग के सेगमेंट में आज क्या बता रहे हैं आप लोग देखें, वापस आएंगे, बहुत सारी गपशप है, यहीं से आगे बढ़ेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद रखता हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी मॉर्निंग कॉफीज और टी पी चुके होंगे, सुबह की सैर भी कर चुके होंगे. फ्रेश और एनर्जाइज्ड दिन का स्टार्ट ज़रूरी होता है और हर दिन का जब आगाज़ अच्छा होता है थॉट्स बहुत अच्छी होती हैं. आप अपनी लिस्ट बनाते हैं मैंने क्या करना है, फोकस्ड रहते हैं. कुछ लोग उस लिस्ट में ये भी लिखते हैं कि आज बॉस से जाके बात करूंगा अपनी प्रमोशन की, आज तो मुझे प्रमोशन की हर हाल में जवाब मिलना चाहिए. सो हम आज बात करेंगे कि कैसे आप जो ये कामयाबी की सीढ़ियां हैं जल्दी क्लाइम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप एक मैनेजमेंट रोल में जाना चाहते हैं, अगर आप एस्पायर करते हैं कि मैं एक मैनेजर बनूं. मैनेजर वो शख्स होता है जो कि लोगों को मैनेज करे, टास्क को मैनेज करे, टीम्स को मैनेज करे, पोर्टफोलियो को, डिपार्टमेंट्स को मैनेज करे. लेवल्स चेंज होते जाते हैं, आप हेड बन जाते हैं डिपार्टमेंट के, टीम के, टीम लीड बन जाते हैं. गर्ज ये है कि ये जो सीढ़ी है ये पहले मैनेजमेंट रोल से शुरू होती है. सो हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि लोग ज्वाइन करते हैं बहुत
जूनियर लेवल पे, तो वो भी चाहता है कि मैं कभी बॉस बनूं, मैं कभी मैनेजर बनूं। जो लोग मिडिल लेवल में भी ज्वाइन करते हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए यकीनन एक क्वालिफिकेशन का किरदार है, तजुर्बे का किरदार है, बट सबसे ज़्यादा किरदार है आपकी ओपननेस का, आपकी विलिंगनेस का। आप कितने ओपन हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हैंडल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए। और जो मैनेजमेंट है वो मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ औकात में अपनी टीम के कुछ लोगों को देख रही होती है फ्यूचर को जहन में रख के, कि इसमें वो क्या एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ हैं जो इस शख्स को मेरे इदारे में एक क्रेडिबल मैनेजमेंट पोजीशन पर लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ हरबे होते हैं। एक होता है शेडो कराना, कि आप किसी मैनेजमेंट की जो पोजीशन है उस पे रोल पे किसी को कहें कि भाई तुम भी इसको शेडो करो, तुम देखो वो क्या करता है, इसके साथ अटैच हो जाओ। ये बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी मैनेजमेंट अगर उस रोल पे फाइज शख्स को पसंद करती है तो इसका मतलब है कि उसकी जो डे टू डे रूटीन्स हैं आपने उसको स्टडी करना। और अगर ऐसा आपको शेडोइंग की ऑप्शन नहीं मिलती तो आप ख़ुद भी जाके ले सकते हैं कि जी मैं क्या आपके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ। तो लोग ऐसे करते हैं, शेडोइंग हेल्प्स। जो एक चीज़ मैं बताऊँ, वो कहते हैं ना कि जी सेलर्स आर नॉट मेड इन काम वाटर्स। जब स्टॉर्म नहीं आता तो शिप को सेल करने का जो स्किल है वो भी नहीं आता। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, काम वाटर है, तो कोई भी जाके शिप का रडर पकड़ के शिप चला लेगा। ये तो तब पता चलता है आपकी क्राफ्ट का जब आपके इर्द गिर्द सब आपके फेवर में ना हो, ख़राब हो। रिस्क हाई होता है, वहीं पे आपकी परफॉर्मेंस का चेक होता है। अब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एट प्ले है, अब आपका आईक्यू एट प्ले है, अब आपकी इंट्यूशन और आपका गट फीलिंग भी टेस्ट हो रहा है कि आप कैसे डिसीजंस लेंगे, कॉम्पिटिशन को कैसे देखना है, उनको परसीव कैसे करना है, इंडस्ट्री के बारे में कितनी जान पहचान है। ये सब मिल के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लिए उस लैडर पे ऊपर चढ़ने में। और जो मैनेजमेंट है उसको भी चाहिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहाँ पे वो लोगों को उनका करियर पाथ और उनके गोल सेटिंग में हेल्प करे। अच्छा, गोल सेटिंग से ना एक एम्प्लॉय को क्लैरिटी मिलती है, बहुत क्लियर होता है कि मैंने क्या करना है। अमूमन कुछ इदारे, मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स, एक मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम से हायरिंग करते हैं जिसमें उनका करियर पाथ लेड आउट होता है। सिविल सर्विसेज में भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें पता होता है कि 6 महीने आपने किस डिपार्टमेंट में रहना है या साल क्या करना है, फिर अगले साल 2 साल, और 2 या 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको एक असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या कोई सी डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोजीशन असाइन हो जाती है और फिर आप ग्रो करते रहते हैं। इस दौरान चूँकि आप ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ इदारों के इदारे के टीम्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ काम करके आते हैं, इंटरेक्ट करके आते हैं, तो सबका फीडबैक बताता है कि ये शख्स कैसा होगा जब ये एक सीनियर लेवल पे आएगा। और इससे मैनेजमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो जहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स हैं वो अच्छा राउट है, जहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम्स नहीं हैं वहाँ पे गोल सेटिंग और करियर पाथ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काम करें। जो HR के ख़ास तौर पर इदारे हैं वो उनको बताएँ, और एम्प्लॉयज़ को भी चाहिए कि वो अपनी मैनेजमेंट को, अपनी HR डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करें कि मेरा, जब ख़ास तौर पे आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे करियर पाथ मेरा क्या होगा। आप अपने एम्प्लॉयज़ को गोल सेटिंग में, उनके करियर विद इन द कंपनी में ग्रो करने में कैसे मदद देंगे और क्या करते हैं। तो लोग इनक्रेज करते हैं ऐसे लोगों को जो इनोवेटिव हों, जो नई तरीके से मसाइल को सॉल्व करें मिनिमम रिसोर्सेज के साथ या बिल्कुल भी रिसोर्सेज ना हो। बहुत सारे बड़े इदारे अगर आप देखें तो दुनिया के बड़े बड़े इदारे, जो बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, FMCGs हैं, उन्होंने अब इनोवेशन टीम्स बना दी हैं जहाँ पे वो बाहर से लोगों को लाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी प्रोसेस से एक्सपोज नहीं होते, ताकि वो ये ना समझें कि ये करने के लिए तो ये अप्रूवल चाहिए, तो ये प्रोसेस चाहिए। उन्हें ये पता ही ना हो और वो खुद एक सोल्यूशन दें उन प्रॉब्लम्स का जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस खुद सॉल्व करने में अब रिलक्टेंट हो गई हैं, क्योंकि वो इनवर्ड नहीं देख पाती, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, इम्यून हो जाते हैं। इन टीम्स को एक्सेलरेशन टीम्स कहा जाता है, एक्सेलरेशन यूनिट्स कहा जाता है। इनक्यूबेशन होती है यहाँ पे नए आइडियाज़ की, और एमिरेट्स, डिनाटा, सिटी बैंक, HSBC, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे कर रहे हैं। सो ये भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप हाईलाइट हो जाते हैं कि यार ये बंदे की अप्रोच इनोवेटिव है। फिर आपकी जो एबिलिटी है टीम वर्क करने की, क्राइसिस में जो
आप रोल प्ले करते हैं वो आपको टॉप पे ले आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे कोई 16-17 साल पहले मैं एक इदारे में था, इंश्योरेंस का इदारा था, और वहाँ पे एक बहुत यंग एज में मुझे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला। अंडरराइटिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें फायर होता है, मोटर होता है, मिसलेनियस होता है, और बहुत सारा बैकलॉग था। तो मैं बैठ के बैकलॉग क्लियर करता था एज अ ट्रेनी, जब मैं गया मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे। तो मेरा जो सफ़र था मैनेजमेंट ट्रेनी से एक मैनेजर बनने का, वो एक क्लील सफ़र है, उसमें लंबा टाइम है, एक प्रोसेस है ट्रेनिंग का। तो जब मैं बैकलॉग निकाल रहा था, तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, तो मैंने देखा कि मेरे को नॉमिनीज हैं, तो मैंने अपने सीनियर बॉस को रिपोर्ट किया। इसी तरीके से करते करते बहुत सारा बैकलॉग जो कई माह का था, बहुत जल्द निकाल दिया। एक वक्त आया कि हमारा एक डिपार्टमेंट जो था, उसके जो मैनेजर थे, उनकी शादी भी आ रही थी, तो उन्हें छुट्टियाँ लेनी थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनको कोई शख्स ऐसा चाहिए था जो कि अब इंटरिम चार्ज संभाल सके, और मुझे कहा गया कि ये रोल आप ले लें। और मैं बड़ा ओवरवेल्म था कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे होंगे, वो मुझसे कम अज़ कम 30 साल बड़े थे। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि हर चीज़ अपने हाथ से गुजारने का मौका मिला, अपने हाथ से काम करने का मौका मिला, तो डिफ़िकल्ट होता है ऐसे शख्स को कोई ऐसी चीज़ या बहाना बताना जो कि उसको ना पता हो। तो जब अपने हाथ से काम करते हैं, वहाँ पे एक चीज़ मैंने सीखी और मैंने अपने साथ करियर में बांध ली कि व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू क्लाइंब अप, इफ़ यू फॉल यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अगेन। तो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच से ये ना कहें कि अब मैं दोबारा से शुरू से क्यों करूँ, शुरू से सीखें काम को, उसकी बेसिक से सीखते हुए ऊपर आए तो बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन वो जब मैंने रोल किया, तो उसके ख़त्म होने के बाद 4 महीने मेरी ट्रेनिंग के बाद, जबकि 6 महीने की ट्रेनिंग थी, मैं डिप्टी मैनेजर बन चुका था। मैंने अपनी एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए शेयर की कि जो मुझे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मौका मिला वो था क्राइसिस का, जब कोई नहीं था टीम को लीड करने के लिए, तो मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसमें मैंने कैसे परफॉर्म करना था, उसमें चैलेंजेस बहुत सारे थे, उसमें टास्क बहुत सारे थे। इस तरह का मौका ज़िंदगी में पिछले 17 बरस में बहुत बार मिला। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिले तो डोंट शाय अवे, स्टेप अप। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो एक रोल प्ले करती हैं आपके करियर ट्रेजेक्ट्री में ऊपर आने में, और हमने काफ़ी चीज़ें अपनी कुछ पिछली एपिसोड्स में डिस्कस की। मेरे ख्याल में ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने समझा कि आपसे डिस्कस करता चलूं। हाँ, एक और, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है वो बड़ी मैटर करती है, कि आप कितने प्रोडक्टिव, कितने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, कितनी इनोवेटिव अप्रोचेस को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, और टीम और ऑर्गेनाइजेशन से आप कितने कमिटेड हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं एक शख्स की ग्रोथ के लिए, और ख़ास तौर पे कंट्रीब्यूट करें जो आपने सीखा है, आगे किसी को सिखाएं, बताएं, जाके आर्टिकल लिख दें लिंक्डइन पे, मीडियम पे कोई ब्लॉग लिख दें, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दें, किसी को हेल्प करें, जो आप कम्युनिटी में गिव बैक करते हैं, ये भी आपकी मैनेजमेंट और इंडस्ट्री जनरली अप्रिशिएट करती है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इन टिप्स का और इन थोड़ी सी जो हमने बातचीत की एडवाइस का या गुफ्तगू का, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचेगा, और आपके जहन में कोई और भी चैलेंजेस हों जिन्हें हमें अपनी एपिसोड्स में एड्रेस करना चाहिए, तो हमें ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। अगली एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। बड़े मज़ेदार बातें हो रही हैं, पता ही नहीं लग रहा टाइम का। मुझे बताएं कि आप कह रही थीं कि बाप ने तो कह दिया कि डॉक्टर ही बनना है, तो फिर डॉक्टर बन के इस फील्ड में फिर दोबारा वापसी कैसे हुई? सब देख लें कि ग्रूमिंग तो मेरी मदर ने मेरी बचपन से ही की हुई थी, क्योंकि महफिल मिलाद और बड़े बड़े फंक्शन होने, और 4 साल की उम्र से ही मैं बहुत लिमिटेड लोगों को सुन रही थी। मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, इट्स लिटिल बेसफुल एंड हस्की, तो काफ़ी लोग मैनली भी लिखते हैं, तो विच आई एम प्राउड ऑफ, क्योंकि आप लोग तो कंपैरिजन ही नहीं करते खवातीन और मर्द हजरात का। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, तो कॉम्प्लीमेंट, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये सिलसिला हुआ तो मेरी ग्रूमिंग ऑलरेडी चल रही थी, हो चुकी थी, तो फिर मेरी मदर वॉज लाइक कि अगर इतना कुछ सीखा ही है तो वाई डोंट वी गिव इट अ ट्राई। और मेरी फैमिली में कोई भी दूर दूर तक भी मीडिया से ना ताल्लुक नहीं था, मुझे नहीं था। तो माई फादर वॉज लाइक, जो मेरा फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन हुआ, मैं एबटाबाद से पढ़ी हुई हूँ, तो माई मदर वॉज लाइक चलो अब तुम्हारा ऑडिशन है। I went to this local TV channel जो इस्लामाबाद में था, उस जमाने में चैनल 3 के नाम से एक चैनल आता होता था। ये स्टोरी मैंने लास्ट में सुनी है, मैंने सुनी हुई है। चैनल 3 के नाम से एक चैनल आता होता था, एंड आई वॉज अ वेरी चबी किड, मैं कश्मीरी हूँ तो मैं खाती बहुत थी, तो मैं आई वॉज लिटिल, आप कहते थे ना भालू टाइप। तो मैं जब गई ऑडिशन देने के लिए, तो जो वहाँ पे साहब थे कोई,
सुन ही रहे होंगे, पता नहीं क्या कहेंगे. तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऑडिशन देंगी. मैंने कहा जी मैं ऑडिशन दूंगी. अच्छा ठीक है आप यहीं पे ऑडिशन देते हैं. आई वाज स्टैंडिंग इन अ कॉरिडोर और वहाँ पे कोई 200 बंदा वाज रोमिंग अराउंड एंड आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज आई एम अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड और मैं बहुत मूडी हूँ. एंड आई वाज लाइक ये क्या कह रहे हैं ना अम्मी के तो चुप कर चुप बोलना कुछ नहीं बस चुप करके जो कह रहा है वो कर दो. जब मैंने आवाज़ निकाली तो वो तो मुंह उसका खुला रह गया. जो 200 जो कैबिन के अंदर भी लोग थे वो भी बाहर आ गए कि ये कौन है जो पढ़ रहा है ना. तो फिर मुझे अंदर ले गए. तो ये तो वो तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपकी फिजिकल अपेयरेंस भी बहुत मैटर करती है मीडिया में. मेरा वजन कम करने का मेन मकसद भी ये था कि भाई मीडिया पे आप जा रहे हैं तो हालांकि लोगों ने मेरी अपेयरेंस नहीं देखी. दे हैव टू लिसन टू मी. उन्होंने मुझे सुनना है. अब एक खातून थी इजिप्शियन उम्मे कुलसूम साहिबा उनका नाम था. उनकी आवाज़ बिल्कुल मैनली थी और वो बहुत बड़े बड़े ऑपरा थिएटर्स करती थी. शी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स ऑफ आर्स कह सकते हैं ना कि पूरी दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स. क्योंकि जब मेरा कलाम एक बाल आया था पहले उन्होंने ये एक छोटा सा क्लिप चला के फिर मेरी परफॉर्मेंस आई थी बिकॉज उनकी आवाज़ भी मैनली थी और मेरी भी मैनली थी. तो आई स्टिल रिमेंबर कि उनके जनाजे पर कोई ऐसा सरबराह नहीं था दुनिया का जो नहीं गया था. यानी कि शी वॉज सो फेमस एंड शी वॉज सो लव्ड बाई सो मेनी पीपल. तो अपने डिफरेंट होने की वजह से देखे ना यू स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट. जो एक चीज की मोनोटनी होती है ना वो उससे हटके कोई चीज है तो फिर पीपल रिकॉग्नाइज दैट. तो अब वो मुझे ये चीज हुई कि भाई अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है मीडिया पे आने से तो ये एंड एवरीथिंग. लेकिन इट डिड नॉट मैटर टू मी एट ऑल. तो जब मैंने वहां पे ऑडिशन दे के वो गाया मैंने रेशमा जी का एक ट्रैक गाया था वहां पे. तो वो जब उसने बुला जो हेड थे चैनल के उन्होंने बुला लिया कि जी प्रमोट करें जी प्रमोट करें आगे प्रमोट करें जी. ये तो आगे. अच्छा हमने भी प्रोग्राम के एंड में आपसे कुछ सुनना है. प्रोग्राम के एंड पे क्यों? मेरी रिक्वेस्ट है. जरूर क्यों नहीं. तो अगर अभी आपने रेशमा जी का जिक्र किया जी जी जरूर. उनका एक ट्रैक है वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया. जी 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 वे मैं चोरी चोरी. या आपने एक सुनाया था गोरिये. हाँ जरूर आप वो सुनाओ. मैं हाँ अगर वो जरूर क्यों नहीं. गोरिये मैं जाना परदे. गोरिये मैं जाना परदे. मैं जाना तेरे नाल माही सूरत माशाल्लाह. किसी सास की आपको जरूरत नहीं है ना ही माइक की जरूरत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो ये मौसीकी लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े लोगों से सीखते हैं. ठीक है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. लेकिन आपने गालबन सीखा किसी से नहीं. जी बिल्कुल. और इतने कमाल के सुरों पर उबूर ये कैसे हुआ? अब देख लें आई थिंक सो दिस इज गॉड गिफ्टेड. जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं. बचपन में मेरी एक ये बहुत आप कहते कि एक स्ट्रेंथ थी कि जो मैं सुन लेती थी मैं एग्जैक्टली वैसा ही गाती थी. क्या बात है. और मैंने ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी. जब तक मैंने प्रोफेशनली परसू नहीं किया था मैंने कभी म्यूजिक के साथ नहीं गाया था. आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट टाइम जब मैं किसी शो चैनल पे बैठी थी मेरा फर्स्ट टाइम था विद म्यूजिशियंस. और जब मैंने गाया तो मुझे म्यूजिशियंस ने आके कहा कि आपने किससे सीखा है. और मेरा फर्स्ट टाइम था म्यूजिक के साथ. तो एवरीबडी हैज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड मी. और ये मुझे लगता है कि सिर्फ खुदा की ही देन है और उसका जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम. अच्छा आपका जो जॉनर है वो सूफीज़म है. तो आजकल के दौर में आपको ऐसे नहीं लगता कि लोगों ने बहुत सुनना छोड़ दिया है? देखिए सूफीज़म 2006 की जब मैं बात कर रही हूँ जब मेरा ट्रैक आया था ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी थी तब सूफी का ट्रेंड आ गया था. बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर के बहुत बड़े अवार्ड फंक्शंस थे जिसमें मैंने ये लाइव गाया था. मेरा इंट्रो था पूरी इंडस्ट्री में और मैंने लाइव काफ़ी गानी थी ट्रैक के ऊपर. तो जब मैंने गाई तो आई स्टिल रिमेंबर कि एक ट्रेंड चल पड़ा सूफी का कि भाई सूफी इज़ ऑल्सो समथिंग. एक लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको जो सो कॉल्ड ट्रेंड की वजह से कि जस्ट टू बी यू नो आप यू वांट टू शो योर सेल्फ एज कूल और समथिंग कि आप कि मैं सूफी गाता हूँ मैं फोक गाता हूँ. मुझे भी शायद उस टाइम पे इतना शोर नहीं था टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज जब मैं गाती होती थी जब मैं पढ़ती होती थी तो मैं मम्मी से लड़ती थी कि आप मुझसे ये क्या याद करा रही कि दिस इज़ वेरी इतनी सकील मौसीकी इतना मुश्किल. मैंने कहा आप ये क्या कह रही हैं. फिर मैं खाने की शौकीन थी तो मुझे अम्मी कहती थी कि तुम्हें रात को बेस्ट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी आज तुमने ये याद करके. आई स्टिल रिमेंबर मेरा लालच यही होता था. तो लालच दे दे के उन्होंने मुझे इतना ट्रेन कर दिया इतना. फिर जब अब व्हेन आई परफॉर्म ऑन स्टेज तो आपको मैं सीरियसली बताऊं कि देयर इज अ टाइम व्हेन यू गो इनटू दैट ट्रांस फेज
और आपको नहीं पता होता कि सामने ऑडियंस है, कोई कुछ है, कौन बैठा हुआ है. यू हैव दोज गूज बम्स ऑन यू एंड यू, आपके कनेक्शन खुदा से खुद ऑटोमेटिकली बन जाते. फिर आपको रियलाइजेशन होती है कि भाई आप जिस ट्रैक पे हैं वो खुदा बहुत कम लोगों को चुनता है इसके लिए. अच्छा मुझे बताएं कि मैंने ये देखा कि आपको 2006 में आपने अपनी एल्बम रिलीज़ कर दी जी, ठीक है. फिर उसके बाद आपको MTV के लिए अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जी, गया जी. लेकिन ज़्यादा रिकग्निशन आपको तब मिली जब आपने पाकिस्तान से बाहर जाके गाना गाया जी जी. तो ये कंपैरेटिवली कैसा लगता है कि जब आप यहाँ पे गाना गा रहे होते हैं तो उस तरह के लोग आपको नहीं समझते कि आप उतने बड़े सिंगर हैं, जब आप बाहर जाके गाना गाते तो उनको पता लगता है. मैं आपकी करेक्शन करूँगी, मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदारी मिली थी स्टेट चैनल पर, मैंने PTV विरसा हेरिटेज किया था. विरसा हेरिटेज और द थिंग वाज कि वो एक लोकल चैनल है और दैट उसकी ब्रॉडकास्टिंग बहुत महदूद, वो महदूद नहीं बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे, और आपको इवन जैनिटर और एक वो जो छोटे से छोटा बंदा भी होगा ना, PN चपरासी वगैरह, वो भी पहचानता है आपको. जब मेरा वो शो चला था तो उसको इतनी ज्यादा पजीराई मिली थी, आई रिमेम्बर दैट वाज इन 2008. और मुझे आप कह सकते हैं कि मैं जहाँ जहाँ जाती थी, जिस जिस वार्ड में जाती थी, एवरीबडी यूज टू रिकॉग्नाइज मी एंड दे. और तब से मेरी पहचान थी, बॉलीवुड से पहचान नहीं थी, पहचान मेरी पाकिस्तान नहीं बनाई थी, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ. और जब मुझे बॉलीवुड से, और मुझे ऑफर्स जब मैंने शुरू किया था तो उसके 3-4 साल में ही बॉलीवुड से बहुत आनी शुरू हो गई, जैसे महेश भट्ट से आई और बहुत सी प्रोडक्शन हाउसेस से आई. लेकिन द थिंग वाज कि मेरी आवाज़ वाज अ लिटिल सूफी एंड फोक, और मुझे थोड़ी सी परेशानी इसलिए हाथ से भी थी कि पता नहीं पिक्चराइजेशन कैसी होगी, बिकॉज आई हैव टू बी आंसरेबल टू पाकिस्तान टू कि भाई क्या सिलसिला चल रहा है. तो उस, और मुझे सीरियसली बताऊँ तब इतना क्रेज़ भी नहीं था कि आई हैव टू गेट माई सेल्फ स्टैम्प्ड. फिर मुझे जब सैफ अली खान होम प्रोडक्शन से फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि भाई ये ट्रैक है और ये है, मुझे कास्ट का भी तब नहीं पता था कि ये तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा भाई एवरीबडी इज़ गेटिंग दम सेल्फ स्टैम्प्ड फ्रॉम बॉलीवुड, तो व्हाई नॉट एक चांस तो ले ही लेते, देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता. तो एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक, इतने प्रोफेशनल लोग, और ये नहीं कि मैं यहाँ बैठी भी उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, मैं अभी तक उनकी तारीफ़ करती हूँ एज ऑन अ पर्सनल लेवल टू, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को माँ कहा और मैं काउच पे बैठी थी, वो ज़मीन पे बैठे हुए थे. उनको कोई यानी कि इतनी उनको इतनी ज़्यादा कितना टैलेंट की कदर थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जैम सेशन. अगर हम इसको इस तरह देख लेंगे कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. आप कह सकते हैं कि आप फ़न को तो पोलिटिसाइज करें ही ना, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी सारी प्रमोशंस रोक दी गई थी बिकॉज हमारा बॉर्डर पे क्लैश चल रहा था. ये आपने एक बहुत अच्छी बात की, आपने बोला कि पाकिस्तान से आपको मिली थी रिकग्निशन, क्योंकि ये माना जाता है, ये मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना है कि नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं, जब तक उन्होंने भी बाहर परफॉर्म नहीं करना शुरू किया तो पाकिस्तान में उनको इतना नहीं करता था. और पाकिस्तान के कुछ घराने हैं जो उनसे अभी तक जो है उनकी आवाज़ पर कमेंट्स करते हैं जी. नुसरत फतेह अली खान साहब तो काश जिंदा होते तो मैं उनके पैरों को हाथ लगाती, क्या बात है. आई मीन लाइक कहते ना कि अगर कोई म्यूजिक का गॉड होता ना तो ही वॉज वन ऑफ दम, कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियन जिसको आप कह सकते हैं, और वो भी खुदादाद. कि वो कहते हैं कि जब सो भी रहे होते तब भी वो उनके हाथ पैर थरथरा रहे होते थे, ही वॉज मेकिंग म्यूजिक इवन वन ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज सच अ ट्रू सोल. तो उनकी तो चीज़ें अभी भी आप सुने तो आप कहते हैं कि आप सुनते ही रहे. मैं यही पूछने लगा था आपसे कि उनकी चीज़ें आज दोबारा जो है वापस आके रीमेक हो रही हैं, और तमाम सिंगर्स जो हैं उन्हीं के, वो कहते हैं ना कि नुसरत का दिया हुआ आज तक जो है ना सब चल रहा है, ठीक है? बिल्कुल. तो क्या वजह है कि शायर वो नहीं रहे, वो लिखने वाले लोग नहीं रहे, वो म्यूजिक बनाने वाले लोग नहीं रहे, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लोग मेहनत करने वाले नहीं रहे, मेहनत करने वाले नहीं रहे, ठीक है ना. लोगों को आसानी चाहिए, लोग एक ट्रेंड चल पड़ा बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि ट्रिब्यूट्स देने का और आपको वही गाना रिवैम्प करने का कंप्लीटली, यू वांट टू, गाना वही है लेकिन आपने म्यूजिक चेंज कर दिया या वोकल्स चेंज कर दी, तो आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना. मैं अपनी बात भी यही करूंगी बिकॉज मैंने भी ट्रिब्यूट्स में, क्योंकि मैं सिंगर हूं जी, मैं लिख नहीं सकती, सीधी सी बात है. मेरे अपने ओरिजिनल्स भी हैं लेकिन मैंने ट्रिब्यूट्स भी इसलिए दिए बिकॉज आई वॉन्टेड टू पे देम ट्रिब्यूट्स, ठीक है ना, बिकॉज आई थॉट कि आई कुड डू जस्टिस टू द सॉन्ग. आप ट्रिब्यूट भी उस बंदे को दें जिसको आप ट्रिब्यूट दे सकते हैं, जो उसका हकदार, जो उसका हकदार है, वरना वो मेरे ख्याल से, और अगर उसको जो हकदार है, उनकी रूह भी तड़पती होगी, वरना कि अगर आप गलत ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो वो कहते होंगे कि भाई क्या हो रहा है. ट्रिब्यूट के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फिटनेस. फिटनेस जल्दी से देखें, वापस आए, बहुत सारी बातें करनी है हमने. अस्सलाम वालेकुम अमेजिंग पीपल, वी आर बैक विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी. हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, हम उम्मीद करते हैं आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, और डेली बेस पे कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ऐड कर रहे होंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाजमी नहीं है कि आप किसी जिम जाके ही वर्कआउट करें, बहुत अहम है कि आप डेली बेस पे मुख्तलिफ किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी आप करें, फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपको मज़ा भी आए, जिसमें आपको जो आपको पसंद हो. सो आज हम इस बात को एड्रेस करेंगे, और बहुत से लोग कहते हैं कि
अच्छा ठीक है, जिम नहीं जाना तो कोई मसला नहीं है, तो वॉक करनी है तो मेरे पास तो वॉक का भी टाइम नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ का टाइम नहीं है, मेरे पास पूरा दिन में इतना काम होता है, इतना काम होता है कि सांस लेने का वक्त नहीं होता. सो आज हम इस पॉइंट को एड्रेस करेंगे कि जब आप कहते हैं कि मेरे पास पूरे दिन में अपने लिए 25 मिनट निकालने का टाइम नहीं है, तो वो टाइम कितना अहम है पहली बात. क्योंकि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमारे पास पूरे दिन में, वैसे तो बेस्ट ये है कि हम आधा घंटा पौना घंटा वर्कआउट करें, मगर अगर हम पूरे दिन में अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते ना, सो आई एम सॉरी, वी डोंट हैव अ लाइफ. आपकी ज़िंदगी है ही नहीं अगर आप अपने लिए 25 मिनट नहीं निकाल सकते. सो ये 25 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, आप जब इसकी अफादियत को आप मद्देनज़र रखेंगे कि फ़ायदा क्या होगा मुझे 25 मिनट निकालने का, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि उन 25 मिनट्स के बाद आप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली एक बेहतर स्टेट में होंगे कि आप अपने पूरे दिन को अच्छे तरीके से गुजार सकें, अपने चैलेंजेस को अच्छे तरीके से फेस करें. हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 25 मिनट्स का वर्कआउट जो आप कहीं पे भी, अपने दफ्तर में, अपने घर में, कहीं पे भी आप कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, एंड वी विल बी राइट बैक. सो गाइज, हम बात कर रहे थे पूरे दिन में अगर आपके पास टाइम नहीं है. अक्सर लोग कहते हैं ना शाहब, यही मसला है कि मेरे पास वक्त नहीं है भाई. तो पूरे दिन में 20 से 25 मिनट निकाल कर आप कैसे अपने आप को फिजिकली मूव कर सकते हैं, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ऑल यू नीड इज़ अ छोटा सा एरिया जहाँ पे आप अपना फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें. सो हम करने जा रहे हैं इंटेंस 20 मिनट्स का वर्कआउट. शाहब हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि हम वो कैसे 20-25 मिनट्स का वर्कआउट क्विकली कैसे कहीं पे भी, दफ्तर में, काम पे, घर पे आप परफॉर्म कर सकते हैं. शहाब, मैं आपको थोड़ा सा, आई एम गोइंग टू पुट यू थ्रू अ टेस्ट. ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहले हम क्विक एक वार्म अप कर लेते हैं. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट अ क्विक वार्म अप. वार्म अप करना बहुत अहम है. पहले आप अपने जॉइंट्स को, यहाँ पे शहाब जो है अपने अपर बॉडी के जॉइंट्स को ही इज मूविंग, ताकि जॉइंट्स की मोबिलिटी हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए. यहाँ पे अपर बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है. लेट्स गो ऑन टू द नीज. लेट्स गो कि हम यहाँ पे शाहब, लेट्स ब्रिंग देम क्लोजर. पांव करीब रखें बिल्कुल, एंड देन प्रॉपर अपने घुटने को हम सर्कल क्लॉकवाइज, 20 क्लॉकवाइज एंड 20 एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे. अगेन हो क्या रहा है यहाँ पे, हम मोबिलाइज कर रहे हैं अपने जॉइंट्स को. कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपने जंप नहीं करना वर्कआउट के अंदर. थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करें, ओपन अप करें. जस्ट लाइक शहाब, यहाँ पे फॉरवर्ड बैक किया, लेफ्ट राइट किया, क्या हो रहा है इसमें फील करें. आपका पेल्विक रीजन साइड पोज पे शहाब हम करेंगे यहाँ पे आके, और ये एक स्ट्रेच हो रहा है. लेग आपने ओपन की और यहाँ पे हमने स्ट्रेच होल्ड किया. सिमिलरली 5 सेकंड्स के लिए अगेन वी गो बैक, और यहाँ पे हमने एक और स्ट्रेच. देख रहे हैं आप कमर, कमर बिल्कुल स्ट्रेट. ऑलराइट, ग्रेट, स्ट्रेच होल्ड किया, अमेजिंग, ज़बरदस्त. ओके, सो फर्स्ट क्या कर सकते हैं, सो लेट्स गो स्क्वाट्स करते हैं हम सिंपल. शाह थोड़ा सा साइड पोज देंगे आप कैमरा को. अगेन अमेजिंग. ऑलराइट, अगेन पीपल, हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, लेट्स से 20 मिनट है, हम जा रहे हैं नॉन स्टॉप एम रैप्स करने जा रहे हैं, एज मैनी रैप्स एज पॉसिबल. ओके, अपनी बट पीछे को पुश करें, कमर सीधी रखें, और अपना मेजर आपका जो वजन है वो आपकी हील के ऊपर है. ऑलराइट, इस तरह करके हम स्लोली डाउन, 3 सेकंड्स में डाउन, 3 सेकंड्स में अप. जर्क नहीं मारना है, एंड यू कीप गोइंग, कीप गोइंग. ओके, 20 मिनट है हमारे पास, और मैं इसको कम कर रही हूँ, 4 वर्कआउट. और हमने हर वर्कआउट को ये करना है कि अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं कह रही हूँ मैंने अपने आप को पुश करना है. हम स्टार्ट करेंगे पिलर से. कमर सीधी, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, अपने बेली को सक इन रखें, एंड गो ऑन. 10 करें, 20 करें, 50 करें, 100 करें, जितना ज़्यादा आपने आपको पुश कर सकते हैं पुश करें, क्योंकि हम इंटेंसिटी को और कम टाइम में इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं. हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना. सो 15-20 मिनट्स का वर्कआउट है. ऑलराइट, एम रैप्स, फर्स्ट हमने हिट किया पिलर्स को, ग्रेट. और अब आप पिलर को कर रहे हैं, आपने इस दौरान अपना जब स्टमक टाइट रखेंगे तो आपका ये लोअर एब्स का जो आपका मसला है कि मेरा जी पेट निकला हुआ है और मेरा पेट अंदर नहीं जा रहा, ये भी कम होगा. जितना ज़्यादा आप लोअर बॉडी को ट्रेन करेंगे आपका लोअर एब्स उतना ज़्यादा फॉर्म होगा. अमेजिंग, फर्स्ट वर्कआउट. अब हमने एवरीबॉडी यहाँ से नीचे हिट किया, अब अपर बॉडी को हिट करते हैं. लेट्स गो, लेट्स गो, थोड़ी सी इंटेंसिटी लेकर आते हैं. शहाब हम जाएंगे ऑन घुटनों के ऊपर, और हम जा रहे हैं पहला फर्स्ट वर्कआउट करेंगे, हम करेंगे पुशअप्स, स्लोली डाउन, स्लोली अप. 3 सेकंड्स में डाउन, 3 सेकंड्स में अप, 3 सेकंड्स में डाउन, 3 सेकंड्स में अप. और यहाँ से हम अपने आप को अगेन, वी विल गो एम रैप्स, एज मैनी रैप्स एज पॉसिबल.
जितने रैप्स आप कर सकते हैं, 10, 15, 20। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनके लिए मुश्किल होगा, तो हम नीज पे आ जाएंगे बिगिनर्स। और यहाँ से भी आपने नीज पे आके भी पूरा आप अपने स्लेज को 3 seconds down, 3 seconds up, down, 3 seconds up में आपने अपने आप को किल करना है। हम अपर बॉडी को हिट कर रहे हैं एवरीबडी। ऑलराइट शहाब, अब इसमें से हम जाएंगे, हम जा रहे हैं कैटरपिलर की तरफ। हमने सेकंड मूव ये किया, थर्ड मूव, लेट्स स्टैंड अप, थर्ड लेट्स मूव अप, और हम करने जा रहे हैं अब जैक्स। शहाब सामने आ जाएंगे। अब पहले हम करेंगे बिगिनर्स वाले शहाब, क्योंकि अक्सर लोग जिनको नो जंप्स, तो हम ये करेंगे, यू ओपन अप एंड वॉक साइड टू साइड। यस, साइड टू साइड, हाथ बिल्कुल सीधा और साइड टू साइड टी बना लेंगे। ग्रेट, ज़बरदस्त। अब ये बिगिनर्स का है, अगर आपको कोई घुटने का मसला है तो प्लीज़ जंप्स नहीं लगाने, बट अब हम कार्डियो मूव करेंगे एंड दिस इज जंपिंग जैक्स। और इस सब में आपने अपना स्टमक, अपना टमी सक्ट इन रखना है, टाइट रखना है, और जितना आप स्टमक सक्ट इन रखेंगे आपका पेट पे जो फैट का मसला है वो कम हो जाएगा। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले किया लोअर बॉडी, फिर हमने हिट किया अपर बॉडी को, अब हम हिट कर रहे हैं पूरा होल बॉडी और अपनी कार्डियो वेस्कुलर हेल्थ पे काम कर रहे हैं। कोशिश करें 100 जैक्स कर लें, 150 कर लें, मगर अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, सो 100-150 के बाद रुक जाएं। अमेजिंग। अब अगेन वील गो बैक टू लोअर बॉडी। शहाब को अच्छे खासे पसीने आए हुए हैं। शहाब अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऑलराइट, अमेजिंग एवरीबडी, द नेक्स्ट वर्कआउट इज, हमने लंजेस किए थे एवरीबडी, साइड पे जाएंगे, एक स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड, और हम लंज डाउन करेंगे सिमिलरली एज मैनी रेप्स एज पॉसिबल। आपको हमने बताया था लंजेस कैसे करने हैं, इसको आप ओवर एंड ओवर रिपीट करेंगे। गाइज, आपके साथ हमने 3 वर्कआउट्स शेयर किए जो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ योर लोअर बॉडी और अपर बॉडी को हिट करते हैं और टोटल बॉडी को वर्क करते हैं। चौथा वर्कआउट हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं और वो है शहाब, हम आएंगे इधर, हम जाएंगे, वी ओपन आवर लेग्स और हम यहाँ से करेंगे कैटरपिलर में जाके शोल्डर प्रेस। ओके, सो वी कम डाउन, यस, ऑन द साइड, और यहाँ पे आप हाथ रखेंगे स्लोली, यस, और ओपन योर आर्म्स, एग्जैक्टली, जस्ट होल्ड हियर, ओपन योर आर्म्स, और यहाँ से आप स्लोली यहाँ से डिसेंड डाउन करेंगे एंड ऑल द वे अप। यहाँ क्या हो रहा है, शोल्डर, आपकी बैक, फ्रंट, बैक, चेस्ट सब हिट हो रही है and it's going to give you the best shape you ever want. Everybody, nikale apne liye 20 minute aur apna workout complete kare. Take care. Dobara milenge with another amazing episode of Health and Vitality. All right guys, hum baat kar rahe the aapke sath ki agar aap pas time nahi hai to koshish kare 20 se 25 minute apni life mein वर्कआउट लाजमी ऐड करें, मगर इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि देर आर लॉट्स ऑफ शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स अच्छे होते हैं अगर आपको रास्ते में मिलें, सफ़र में मिलें तो शॉर्टकट्स अच्छे होते हैं, मगर डाइट में शॉर्टकट्स मोस्टली जो है वो काम नहीं करते। कीटो डाइट, एटकिंस डाइट, बहुत सी लो कार्ब डाइट्स, ये वो डाइट है जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली बेसिकली हमारे जो मैक्रोज हैं, जो प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, इन सब की प्रोपोर्शन को कम ज़्यादा किया जाता है और एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम वो डाइट्स पे जाते हैं। अगर मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई डाइट अगर आप महीने के लिए करते हैं, 2 महीने के लिए करते हैं और वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है तो वो हेल्दी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिस डाइट का मुद्दत ही उसकी, जिस डाइट के ऊपर एक्सपायरी डेट है, वो डाइट इज़ नॉट हेल्दी। और अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जा रहे हैं, अगर आप कम कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका वज़न कम होगा। अगर मैं आपको दिन में कह रही हूँ कि तुमने सिर्फ सेब खाना है एक, तो ऑब्वियसली आपका वज़न कम होगा। बात सारी ये है कि हम अपनी कंजम्पशन सही रखें, हम खाना ऑलमोस्ट पेट भर के खाएं, मगर ऐसा क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, इस चीज़ को हम लर्न करें। सो सबसे बेहतरीन जो वे फॉरवर्ड है वो है बैलेंस्ड डाइट का। सो ऑल दीज डाइट्स, कीटो, एटकिन, ये सारे शॉर्टकट्स हैं और शॉर्टकट्स कभी भी लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा नहीं दे सकते। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पुट इन द वर्क ऑन अ डेली बेसिस, डेली बेस पे 1 millimeter शिफ्ट लेकर आए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे कि 30 दिन में काफ़ी फ़र्क आएगा और 365 डेज में यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। अल्लाह हाफिज़।
एक और सुबह में आपको फिर से वेलकम कहेंगे। डॉक्टर मासूमा अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा जी, अभी रिसेंटली आपका एक ट्रैक रिलीज हुआ है जिसने मिलियंस 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 क्रॉस कर लिया जी, और सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले मिलियन क्रॉस करने वाला सॉन्ग बन गया। यस, बहुत जल्दी जल्दी खत, और उसमें आप भी हैं और हमारे एक और लिविंग लेजेंड जी शफकत चीमा साहब भी मौजूद हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस सिलसिला शुरू कैसे हुआ। हाँ, आई वॉज बिजी डूइंग अ ड्यूटी इन द कोविड वर्ल्ड, और फ़खर भाई हैं जिन्होंने इसकी कंपोजिशन बनाई है और तैयब अमीन साहब ने इसको लिखा है, तो उन्होंने मुझे भेजा कि बहन मेरी एक ट्रैक है, और मैंने कहा वर्ड में मैं काम कर रही हूँ, मैं क्या ट्रैक के दिन चल रहे हैं, तो कहते हैं कि ये आप सुन लें, सोलफुल कॉम्पोजिशन है, आपकी आवाज़ को बिल्कुल सूट करेगी। अच्छा, जब मैंने सुन ली ना तो मेरे जहन में बैठ गई, आई वॉज लाइक के दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, आई हैव टू डू दिस। और उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बहन आपको पसंद आई है, तो मैंने कहा जी मुझे पसंद आई है। तो वहीं पे वर्ड में बैठ के उनको मैंने छोटा सा वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसी टाइम पे उनको मैंने भेज दिया, एंड ही अप्रूव्ड ऑफ दैट, कहते ये ठीक है बिल्कुल। मैं घर आ गई, भूल गई, आई रिमेंबर कि मुझे जहन में भी नहीं था कि वो फिर उनका फ़ोन आ गया कि अब बहन क्या डिसाइड किया। अपनी मम्मी को मैंने बताया कि मैंने कहा मम्मी दिस इज़ अ ट्रैक, दिस इज़ कमिंग, और ये अम्मी ने जब सुनी कॉम्पोजिशन इज़ लाइक कि दिस इज़ समथिंग यू शुड डू बिकॉज ये तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। जब मैंने किया वो आ गए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, हमारी रिकॉर्डिंग हुई बिकॉज मैं जा नहीं सकती थी लाहौर, कोविड के दिनों में ज़रा बहुत महदूद था। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो आई स्टिल रिमेंबर के एवरीबडी वॉज क्राइंग, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और मेरी माँ तो वैसे ही रोती रहती है हर वक्त, तो शी इज़ लाइक मैं जब भी स्टेज पे होती हूँ तो मेरी माँ पीछे बैठ के दुआ कर रही होती है, हाथ उठा के और रो रही होती है, तो वो अभी भी शायद बैठ के रो ही रही होगी, शी इज़ लाइक दैट, वो उनकी दुआओं का नतीजा। जब रिकॉर्ड किया तो उन्होंने कहा कि अब द पॉइंट वॉज की वीडियो, तो मैंने कहा इसका वीडियो का क्या थीम होगा, आप किस तरीके से बनाएंगे, तो वो कहते हैं कि शफकत चीमा साहब हैं वीडियो में। पहले मैं परेशान, मैंने कहा कि वो तो मैंने उनको गंडासों के साथ और मैंने उनको पंजाबी फिल्म में देखा हुआ है, ही इज अ लिविंग लेजेंड, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जी चले ठीक है, कहते हैं आप बहन हम पे ट्रस्ट करें और आप बस भूल जाएं। फिर बीच में एक छोटा सा गैप आ गया, उनकी एडिटिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, एवरीथिंग, फिर हम शूट के लिए पहुंचे, सारे का सारा सिलसिला हुआ। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, ही सॉ मी, सर पे हाथ फेरा, ही प्रेज्ड मी कि माशाल्लाह या क्या खूबसूरत अल्लाह ने आपको आवाज़ दी। जब लोग ये कहते हैं ना कि अल्लाह ने दी है तो दिल को खुशी होती है, बिकॉज जाहिर है उसी की देन है, और आपको ये चीज़ भूलनी नहीं कभी भी चाहिए कि ये जो देन खुदा की है ना वो छिन भी जाती है अगर आप में तकब्बुर आ जाए। तो उन्होंने, वो खुद भी इतने डाउन टू अर्थ थे, जो पता नहीं कितनी हज़ार फिल्मों में काम कर चुके हैं और ज़मीन से वो बंदा उठ नहीं रहा था, मैंने कहा जब ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है तो मेरा तो कुछ बोलना का जवाब ही नहीं बनता। तो फिर जब वीडियो बन के सामने आया तो मैं फ़ोन करके पूछूं कि मुझे बता दे, मुझे दिखा दे, मैंने देखी नहीं है, मुझे परेशानी है कि क्या है, कहते नहीं आप भी उसी दिन देखेंगे जिस दिन वीडियो रिलीज होगी, जिस दिन रिलीज। ओके, अब आई वॉज कन्फ्यूज, मैं परेशान, मैंने कहा ये पता नहीं क्या होगा। जब वीडियो आया तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि मेरी, मुझे स्वेटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो मुझे नर्वसनेस थे ना, कोल्ड स्वेटिंग थी, एंड आई वॉज लुकिंग एट द वीडियो और मैं रो रही थी और मेरे फादर कोने में बैठ के रो रहे थे। सबने देखा ना कि उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे और जो शफकत साहब ने एक्टिंग की और जो गाने का एक मतलब पूरे का पूरा एक आप पे ना वजद तारी हो जाता है पूरी की पूरी चीज़ का, जो चीज़ें खुदा ने करानी होती। तो आई वो मैं जितना कह सकते ना कि खुदा का शुक्र अदा करती उतना कम था कि पीपल लव्ड इट सो मच कि विद इन 4 hours इट क्रॉस्ड अ मिलियन व्यूज़। कि 4 घंटे मैं मेरा भाई कह रहा है कि अभी 1000 views हुए, 5000 गुजरे जा रहे हैं, गुजरे 900,000 हो गए, मैंने कहा ये तो 4 घंटे भी अभी नहीं हुए और इतनी मजे आई। तो बिकॉज मेरा कमबैक भी था एक लिहाज से, बिकॉज मैं 2.5 साल से म्यूजिक कर नहीं रही थी, तो मुझे नहीं यकीन था कि लोगों को इतना पसंद आएगा और मुझे इतनी पज़ीराई मिलेगी। तो आई एम अ वेरी लकी पर्सन और खुदा का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ। तो वो स्टोरी लाइन जो है, हाँ स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट, जब मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम वीडियो देखी तो मुझे भी जरा थोड़ा सा ना आई हैड टू सी के वट वॉज द एक्चुअल स्टोरी लाइन, बिकॉज शफकत चीमा साहब के बारे में जो मैंने सुना हुआ था कि वो ये था कि वो खुद भी हाफिज़ कुरान और वो इमाम मस्जिद के बेटे हैं, बहुत रिलीजियस फैमिली से उनका ताल्लुक है, और आई थिंक सो उसमें उनका बचपन दिखाया गया है, बचपन दिखा के कि ही इज़ विजुअलाइजिंग हिज चाइल्डहुड और उसके बाद कैसे ही डाइवर्ट्स टूवर्ड्स दिस फिल्म फील्ड, पैसे के पीछे कैसे वो भागते हैं, आप देख रहे हैं कि पैसे को देख के पैसे की तरफ आप रागिब हो गए हैं और आप अपनी असल भूल गए, ठीक है। फिर आप गंडासा भी दिखाया कि फिल्मों में ये वो, फिर एक जो चल के वो कब्र की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें एक ये सीन है कि जब वो मर रहे हैं या मरने का सीन जब दिखाया हुआ है तो वो रूह उनसे सवाल कर रही है, पूछ रही है कि तुमने जिंदगी में क्या किया भाई, व्हाट डिड यू डू, कि तुम किस चीज़ की दुनियावी चीज़ों के पीछे तुम भागते फिरते रह गए और तुम अपना असल भूल गए, खुदा को तुम भूल गए। उसमें ये भी कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है ना कि आप खुदा की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आपको रोकती हैं, खींचती हैं, दुनिया चीज़ें जो होती हैं वो तो आपको हमेशा ही खुदा से दूर करती है ना।
आपका यही तो टेस्ट है कि आप दुनिया में जो अल्लाह ने आपके लिए हर चीज़ बना छोड़ी है आप उसके पीछे भागते हैं कि आप खुदा को याद करते हैं। बिल्कुल हाँ, ये है कि आप दुनियावी चीज़ों के साथ और ज़माने के दस्तूर के मुताबिक बिल्कुल चलें लेकिन खुदा को ना भूलें और अपनी एक्चुअल जो कहते हैं ना कि अपना असल और अपनी औकात इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। और आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये भी उसका एक थीम है कि पैसा जितना भी खुदा ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो खुद चल के आपके पास मिल के रहता है, वो आपको भागने की जरूरत नहीं है उसके पीछे। हाँ, फिर उसमें एक ये फेज भी है जिसमें एक वो सीन आता है जिसमें ही इज रिग्रेटफुल बिकॉज वो जो खत लिख रहे होते हैं वो अपने वालिद साहब के नाम लिख रहे होते हैं जो स्टार्टिंग में, क्योंकि वो कारी साहब थे तो वो यही लिख रहे होते कि मुझे जिंदगी में ये रिग्रेट्स रह गए कि मैंने ये क्यों किया और मैं कहाँ से आया था, मैंने क्या ज़िंदगी में करना था और मैं क्या करता रहा। हाँ, ये है कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक आपको कहते हैं ना कि आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन जो होती है कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ होती ज़रूर है कि भाई जब खुदा से आपका कनेक्शन बनता है आप दुनियावी चीज़ों को छोड़ देते हैं और आप कहते हैं कि बस अब नहीं भागना दुनिया की चीज़ों के पीछे, अब अल्लाह ही। तो ये हर बंदे बहुत खूबसूरत स्टोरी लाइन थी, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट था और ये तो अभी चल रही है और ये चलती जाएगी इसी तरीके से। मुझे ये बताएं, प्रोफेशनल जेलसी होती है, आपको कितनी फेस करनी पड़ी है? मेरी प्रोफेशनल जेलसी ही मर्द हजरात पे प्रॉब्लम ही है। तो आई स्टिल रिमेंबर, और मेरे ख्याल से मेरी प्रोफेशनल जेलसी किसी के साथ भी नहीं है बिकॉज मेरी आवाज़ और वोकल टोन ही बहुत डिफरेंट है, तो आई स्टैंड आउट इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। तो आप जितने भी सिंगर्स को ले आए मेरा वोकल टोन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से प्यार अभी तक तो सब ने बहुत किया है। जो मेरा गाना रिलीज हुआ था आई रिमेंबर कि मुझे 40+ शाउट आउट्स लेने थे मुख्तलिफ आर्टिस्ट, और मैंने एक दफ़ा सिर्फ कहा होगा किसी और को और सब ने इतना प्यार, और मैं कह रही थी कि मैं किधर चली जाऊं कि मुझे नहीं पता था कि इतना लोग मुझसे प्यार करते हैं एंड दे वांट मी टू सिंग। तो ये प्रोफेशनल जेलसी सिर्फ मीडिया में नहीं है, प्रोफेशनल जेलसी हर जगह, हर जगह। आप दूसरे प्रोफेशन की भी, आप मेडिसिन में हो और आपके साथ दूसरा कंसल्टेंट हो या तीसरा कंसल्टेंट हो और एक सेम फील्ड का बंदा हो वो भी आपसे जेलस होगा, ठीक है ना? दिस इज समथिंग दैट इज नॉर्मल, दैट इज इनग्रेन्ड इन अ पर्सन, बिकॉज अगर आप जेलस नहीं होंगे, आप और मेहनत नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जेलसी उस नौयत की हो कि अगले बंदे को खराब ना करे, हर्टफुल ना हो, अगले बंदे की दिलाजारी ना हो, लेकिन आप अपने तई जो है ना आपकी अपनी ग्रोथ हो, तो दैट इज गुड। आई थिंक दैट जेलसी इज गुड। और अब हमें आप क्या सुना रही हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? आप अपनी मर्जी से कुछ सुनाएं, फिर तीसरी मैंने फरमाइश सोच के रखी हुई है, या हलीमा कुछ सुनना चाहें तो वो बता दें। बताइए। मैं तो आप जो भी सुनाएंगी मैं बहुत शौक से सुनना चाहूँ। जरूर, क्यों नहीं। मेरा ट्रैक था जो आपने सूफी का एक ट्रेंड शुरू होने का कहा था, मेरी काफ़ी थी ख्वाजा गुलाम फरीद की आ मेरा ढोला, मेरा फर्स्ट एल्बम था जब ट्रेंड कम्प्लीटली सूफी का चेंज हुआ, 2006 या 2005 की, 2007 की बात कर रही होंगी। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, अब तो हम बूढ़े हो गए। तो मैं आपको सुनाती हूँ। मुकदी मुकावा तुझते हो मैं हारी, मैं डढोला। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौसीकी में अगर हम लोग देखें पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री और हमारे पड़ोसी मुल्क की मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि आपने दोनों बहुत करीब से देखी हैं, तो इस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, लेकिन अगले सेगमेंट की तरफ ही हमें बढ़ना है, तो वापस आएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। आइडिया दैट चेंज हिस्ट्री में आज क्या बताया जा रहा है, आप लोग देखें, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमज़ा और आज आपके सामने मैं एक आइडिया को पेश करने लगा हूं जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इनकलाब बरपा हो गया, और ये आइडिया था ट्रांजिस्टर का आइडिया। ट्रांजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वही अहमियत रखता है जो बुनियादी तौर पर जानदारों के अंदर खुलिया रखता है। खुलिया आप समझते हैं, जिसे सेल कहते हैं। सेल जानदारों के जिस्म के अंदर एक बुनियादी इकाई है, इसी तरह ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर एक बुनियादी इकाई की हैसियत रखते हैं। ट्रांजिस्टर से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो कंपोनेंट यूज़ होता था उसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं।
वैक्यूम ट्यूब्स, अगर उस ज़माने के आप टेलीविजन्स देखिए, रेडियोस देखिए, टेलीफोन्स देखिए, तो उनमें वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। अच्छा, वो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो साइज़ में काफ़ी बड़ी होती थी, और दूसरा मसला ये था कि वो रिलायबल नहीं होती थी, वो ख़राब जल्दी हो जाती थी, और तीसरा सबसे बड़ा मसला ये होता था कि वैक्यूम ट्यूब वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, जब उन्हें ऑन किया जाता था तो वैक्यूम ट्यूब्स कुछ टाइम तक गर्म होती थी, और जब वो सर्टन अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कर लेती थी ट्यूब्स, तो वो पावर को आगे ट्रांसफ़र करती थी। अब यानी सारी बात का बड़ा सादा मतलब यह है कि जो इनपुट पावर है वो वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा लेती थी, और उसकी जो आउटपुट पावर है वो बनिस्बत कम होती थी। खैर, उस वक्त और कोई सलूशन नहीं था तो लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1920 में एक फिजिसिस्ट जिसका नाम जूलियस लिलियनफील्ड था, उसने 3 इलेक्ट्रोड्स वाला एक कंडक्टर बना लिया। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली सॉलिड इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं जो नॉन मेटल से करंट को पास कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड इज कि जूलियस लिलियनफील्ड ने 3 इलेक्ट्रोड्स वाला कंडक्टर बना लिया। अब वो कंडक्टर बनने के बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर मज़ीद फिजिसिस्ट ने काम करना शुरू कर दिया, और फिर 1947 में एन अदर फिजिसिस्ट केम इनटू द इंटायर प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन, और उनका नाम था जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन ने क्या किया कि उन इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करते हुए जो जूलियस लिलियनफील्ड ने बनाए थे, एक ऐसा सर्किट बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया, जिसमें इनपुट पावर कम इस्तेमाल होती थी और आउटपुट पावर ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, यानी बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब्स के बरअक्स। खैर, जब जॉन बर्डीन ने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना दिया, तो लोगों के जहन में आया कि नाउ वी कैन रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद द वैक्यूम ट्यूब्स। अब क्या था कि किस तरह इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इस्तेमाल किया जाए, ये एक अगला सवाल था, और इस सवाल के ऊपर काम करते हुए विलियम सैकले जो थे, उन्होंने दुनिया का पहला जंक्शन ट्रांजिस्टर बना डाला। नाउ जंक्शन ट्रांजिस्टर वाज एक्चुअली द फर्स्ट एवर ट्रांजिस्टर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, और उस ट्रांजिस्टर जिसे जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, उसके आने के फौरन बाद वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में से रिप्लेस हो गई थी। अब क्या हुआ कि अगर वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, तो जंक्शन जो ट्रांजिस्टर्स थे वो कम एनर्जी कंज्यूम करते थे, और उनकी जो जगह थी, वॉल्यूम था, वो भी कम था, यानी कम जगह घेरते थे। लेकिन जंक्शन ट्रांजिस्टर वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट सोल्यूशन। लोग इसके ऊपर काम करते रहे, इनोवेशन का सिलसिला जारी रहा, और फिर सिलिकॉन वैली, आपने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली का, सिलिकॉन वैली में पहला सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बना जो कि मज़ीद साइज़ में और वॉल्यूम में कम था, और वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होने लगा, और फिर बड़ी बड़ी मशीनें जो थीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थीं, वो कंडेंस होके, यू नो, बिल्कुल सुकड़ के, श्रिंक होके छोटा होना शुरू हो गई। नाउ इट वॉज ट्रांजिस्टर दैट ब्रॉट बिग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनटू स्मॉलर साइजेस, बट देयर द गेम डिडंट स्टॉप, और ये कहानी आगे चलती रही। और 1950 में एक आइडिया फ्लोट किया गया, और वो आइडिया था माइक्रोचिप का आइडिया। आपने शायद ये लफ्ज़ सुना हो, चिप, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप बुनियादी तौर पे ट्रांजिस्टर से एडवांस एक ऐसा सर्किट था जो कि बहुत ही छोटी जगह में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एडजस्ट कर सकता था, उसको ला सकता था। और दर हकीकत माइक्रोचिप वॉज एन आइडिया दैट ब्रॉट द मोबाइल्स इनटू एग्जिस्टेंस, दैट ब्रॉट द लैपटॉप्स इनटू एग्जिस्टेंस। अगर माइक्रोचिप्स ना बनती और हम सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स तक रहते, तो शायद ये पॉसिबल ना होता जो आज पॉसिबल है, यानी द साइज ऑफ मशीनरी दैट वी फेस टुडे, सी टुडे, एक्सपीरियंस टुडे, प्रैक्टिस टुडे, यूज टुडे, वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप्स क्या हैं? माइक्रोचिप्स बुनियादी तौर पे बहुत ही छोटी सिलिकॉन की डिवाइस है जिसके अंदर बेतहाशा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। अब आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे कि कहाँ पे बड़े बड़े पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के इकट्ठे करके एक मशीनरी बनाई जाती थी,
और फिर क्या हुआ कि उन बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को कोशिश करके स्मॉलर सर्किट बोर्ड्स में कन्वर्ट किया गया कि एक स्मॉलर सर्किट बोर्ड हो, उसके ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हों, और फिर ट्रांजिस्टर्स की वजह से ये मुमकिन हुआ। लेकिन देन द स्टोरी मूव्ड ऑन और एवोल्यूशन होता चला गया और फिर एक चिप की सूरत में आपको बहुत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अब मुयस्सर हैं। अगर आप किसी भी चिप को देखिए, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं और आप रियल लाइफ में अगर कंप्यूटर या कोई भी पुरानी आपके पास डिवाइस है, नई डिवाइस नहीं खोलनी है आपने, अगर पुरानी डिवाइस मौजूद है तो उसे खोलिए, आपको उसमें चिप नज़र आएगा। पुरानी डिवाइस से मुराद जो ख़राब डिवाइस है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपने दादा अब्बू के टाइम की डिवाइस खोल लेनी है, क्योंकि उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स ही होती होंगी। एनीवेज, आप अगर चिप्स को देखें तो चिप्स में बहुत सी लेग्स होती हैं। दर हकीकत हर लेग एक सर्टन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, और इसीलिए एक चिप के अंदर बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और वो सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। So the story started from vacuum tube, but it was actually the silicon transistor that changed the entire game. Aur wahan se game microchip tak aayi. आजकल कहते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चिप है, यानी वो चिप जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो 2008 में बनाई गई थी, और 2008 में इंटेल ने वो चिप बनाई थी, और इंटेल का यह दावा था कि इस एक माइक्रोचिप के अंदर 2 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं। 2 अरब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक चिप के ऊपर 2008 में वो चिप बनी थी। आप सोचिए कि चिप और माइक्रोचिप ने हमारी जिंदगी में क्या कुछ लेके आए हैं, और उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। बट दैट ऑल स्टार्टेड विद एन आइडिया ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स ना होते तो यकीनन कहानी आगे ना बढ़ती, क्योंकि ट्रांजिस्टर वॉज द बेसिक यूनिट फ्रॉम वेयर दिस आइडिया केम इन टू बींग, लेट्स हैव लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स ऑन वन सर्किट बोर्ड। पहले बड़ा था, फिर चिप की शक्ल इख्तियार कर गया। कहते हैं कि आज अगर माइक्रोचिप्स की बात करें तो दुनिया की छोटी तरीन माइक्रोचिप जो है उसका साइज क्या है, कैन यू जस्ट इमेजिन, उसका साइज मट्टी के एक जर्रे जितना है, एंड मट्टी का एक जर्रा देखना मुश्किल होता है। सो माइक्रोचिप्स इतनी छोटी मौजूद हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं जब इतनी छोटी माइक्रोचिप्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनमें एक डिवाइस में कितना कंपोनेंट होता है। कभी आप हैरान नहीं हुए, I mean, never you just got shocked के there is a mobile, उसके अंदर टेलीफोन कॉल आ भी रही है, जा भी रही है, कैमरा भी इस्तेमाल हो रहा है, ऑडियो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अंदर स्क्रीन भी है, आप फिल्म भी देख सकते हैं, ड्रामा भी देख सकते हैं, उसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, विजुअल्स भी हैं, फोटोज़ भी हैं, फोटोज को सही करने के लिए या उनको अपग्रेड करने के लिए, कलर ग्रेडिंग के लिए एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं। ये सब कुछ एक बोर्ड के ऊपर चल रहा होता है, वो बोर्ड जो मोबाइल डिवाइस के अंदर होता है, और उस बोर्ड के ऊपर माइक्रोचिप्स होती हैं जो ये सारे काम कर रही होती हैं। बट अगेन आई क्लोज टुडेज टॉपिक ऑन दिस कि माइक्रोचिप का आइडिया मोहताज था ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर वॉज एन आइडिया दैट थॉट ऑफ पुटिंग लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट ऑन वन सर्किट बोर्ड, और उसी को माइक्रोचिप में कन्वर्ट किया गया। सो ट्रांजिस्टर्स चेंज द एंटायर थिंग, एंटायर बॉल गेम। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स एन आइडिया दैट चेंज द वर्ल्ड, इट्स एन आइडिया दैट एक्चुअली गेव अ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। ट्रांजिस्टर्स आइडिया दैट एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। आज तक लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। जी वेलकम बैक टू द शो। मासूमा मुझे ये बताएं कि जब बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिला, क्या फीलिंग थी, कैसा लगा? बहुत अच्छी फीलिंग थी। उस टाइम पे तो पता ही नहीं होता कि अवार्ड क्या होता है। आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड, और मेरी जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो होती थी वो खाना ही होती थी, और जो बच्चों की और क्या अट्रैक्शन होती है, आप ये बताए ना कि उस टाइम पे तो आपको इन चीज़ों की रियलाइजेशन ही नहीं होती कि कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन इट वॉज समथिंग दैट वॉज बिकॉज मेरी नॉमिनेशन जब हुई थी एम टी वी अवार्ड्स के लिए भी हुई, तो एज अ बेस्ट सिंगर हदीका जी के साथ और फरिया जी जिनका बहुत नाम है, और मैं उनको सुन सुन के बड़ी हुई थी, और मैंने कहा मेरे साथ नॉमिनेशन होना ही बहुत बड़ी बात है। तो आई वॉज एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड कि अब रियलाइजेशन होती कि भाई बहुत बड़ी बात थी, और अब एहसास होता है कि जो जितने मराहल से गुजरी हूँ वो अल्लाह ताला का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बताएं ज़रा इंडस्ट्री के हवाले से कुछ के उधर की इंडस्ट्री और इधर की इंडस्ट्री। देखिए आई डोंट थिंक सो कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है।
एज कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट. जितनी वर्सेटैलिटी हमारी जमीन में है ना, उतनी कहीं पे भी नहीं है. आप खुद देखेंगे हर किस्म की टोन, हर किस्म की वोकल टोन. आप किसी भी आर्टिस्ट को देख लें, म्यूजिक देख लें, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स देख लें, कुछ भी, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान में प्रोजेक्शन नहीं है. जितने प्लेटफॉर्म्स इंडिया में है ना, फॉर एग्जांपल इंडियन, और इंडिया तो ऐसा है ना कि वो आर्टिस्ट्स को पूछता है. वो उनके तो आप कह सकते हैं ना कि वो उसको वहाँ रखते हैं कि जहाँ पे नॉर्मल लोकल मैसेज की रसाई नहीं होती है, वो उनको सर पे बिठा के रखते हैं. आई रिमेंबर कि जब मैं गई थी तो मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी. आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान जिसका कोई नाम इतना नहीं था. शुरू ही अभी हुआ था. तो उन्होंने ऐसे इज्जत की जैसे कि मेरे ख्याल से कोई लेजेंड उठ के आ गई हुई है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है. और पहले तो मेरी अम्मी जब एंटर हुई तो बिकॉज किसी ने कहा हुआ था कि ये बहुत हेल्दी खातून है जिन्होंने गाया हुआ, तो वो समझे कि मेरी अम्मी सिंगर है. तो वो एंटर हुई तो वो कहती है अच्छा ये सिंगर नहीं, तो कहते तो मुझे कहते तुम आवाज़ किधर से निकालती हो, बिकॉज आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. तो मैंने फिर वहीं पे उनको कहा सारे इंडियंस को, मैंने कहा इसी वक्त आप सारे प्लीज माशाल्लाह कहिए कि आप लोगों की नजर ना लगे मेरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में. तो आप ये कह सकते हैं कि एक रैपो डेवलप करना और एक आपस में प्रोफेशनल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड. पाकिस्तान में शायद प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम हो कंपैरेटिवली. इंडिया में ये है कि वो काम से काम रखते हैं, यानी कि ना इधर की बात ना उधर की बात. अगर आपको एज ए सिंगर बुलाया है तो वो एक दो बातें ऊपर भी नहीं करेंगे, आपसे काम लेके यू गो होम इसी तरह. और आई थिंक सो कि पाकिस्तान में द प्रॉब्लम इज़ कि आपको अपना नाम बनाने के लिए किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, स्पेशली इफ़ यू नॉट फ्रॉम अ फैमिली. तो फिर आप ये बताएं कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगिंग फील्ड से हो, एक्टिंग से हो, किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हो, एक आर्टिस्ट पाकिस्तान के लिए फिर क्या कर रहा है, पाकिस्तान में वो किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे? देखिए अब आर्टिस्ट तो आपस में ही सबसे पहले इस चीज़ को चेंज करेंगे ना. एक जो एक आर्टिस्ट कल्चर है ना आपका, एक तो नेपोटिज्म कल्चर है, एक पाकिस्तान में ज्यादा है. और पाकिस्तान में आई थिंक सो नेपोटिज्म कल्चर हर जगह बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली. बिकॉज आई हैव फेस्ड इट मायसेल्फ, क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम अ घराना. देखिए जब आप कह रही है ना प्रेस करने वाली बात, तो ये नेपोटिज्म जब खत्म होगी तभी आएगी. एग्जैक्टली. आप देखिए ना, आप जब तक किसी बंदे की पजीराई नहीं करेंगे, आप अगले बंदे को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो वो बंदा खुश होकर आगे काम कैसे करेगा? ठीक है, आपकी अगले आपको अगले, हाँ ये है कि आप दाद सही दें. अगर बंदा ठीक कर रहा है तो आप दांत भी ठीक दें. आप ये मत कहें कि कोई भी उठ पड़ के आके कोई गा रहा है या परफॉर्म कर रहा है तो आप उसकी तारीफ करने बैठ जाए. नो, मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस सेंस. इसीलिए शायद मुझे लोग इतना नापसंद भी करते हो कि मैं बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. मुझसे गलत तारीफ नहीं होती. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और किसी चीज़ में टैलेंट है तो आप खुल के उसकी तारीफ करें कि अगले बंदे का इतना मोरल बूस्ट हो कि वो और भी अच्छा काम दे. लेकिन आप किसी खराब बंदे की तारीफ करने में, हमारे मीडिया का ये भी बहुत बड़ा एक अलमिया है कि आप जाहिलों के पीछे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं. यू जस्ट फॉलो द बैंड वैगन एक्चुअली. जिसकी तारीफ शुरू होगी तो उसकी तारीफ ही शुरू होगी. अच्छा मासूमा, आपने मीडिया के अलमिये की बात की. बहुत ज्यादा हम टैलेंट हंट शो देखते भी हैं, लेकिन उनमें जो जजेस बैठे हुए होते हैं कंटेस्टेंट, उनको कह देते हैं कि आप हमें कैसे जज कर सकते हैं, आप तो खुद ही सिंगर नहीं है. तो उसमें भी कितना हमें काम करने की जरूरत है. देखिए ना कि इंडियन जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो शोज होते हैं उसमें अब शायद थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिए उन्होंने कि जो जजेस होते हैं वो इतने कोई ठीक नहीं है. लेकिन जो पुराने जमाने के सारे मैंने जारे गामा पा और ये सब देखे थे, तो उसमें जो बैठे हुए होते थे ना वो फिल्म इंडस्ट्री के घाक मौसीकार थे. वो उन्होंने बहुत काम किए हुए थे कि वो आप एक लाइन के अंदर जितनी भी गलती या फ्लॉज होंगे ना वो आपको खड़े खड़े टा टा बता देंगे कि ये है ये गलती है. आप द थिंग इज के हमारे जो ग्लैमराइज बहुत कर दिया ना, आप जितने ग्लैमरस बन के स्टेज पे आएंगे और जितने आप, लेकिन ठीक है यू शुड लुक गुड इफ यू कमिंग ऑन स्क्रीन, बट एज फार एज इफ यू आर अ सिंगर तो लोगों ने सुनना है आपको. आपको अपनी आवाज से लोगों को महबूत करना है. यू डोंट हैव टू लुक दैट गुड. तो आप देखिए ना, ग्लैमरस म्यूजिक की मियाद भी नहीं है. आप अगर सूफी म्यूजिक सुनेंगे आपको 10 साल या 20 साल पुराना ट्रैक भी महसूस करेगा, आपको याद रहेगा. लेकिन आजकल तो सिंगर बनना बहुत आसान हो गया, आप टोन बस ऐड कर दें. हाँ जी, आप बन सकते हैं, आपको हम ऑटो ट्यूनर लगा देंगे. तो इतना बुरा गाता कोई भी बन सकता है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए ना, हर चीज को जब आप आसान कर देंगे तो उसका मयार खराब हो जाएगा, मयार गिर जाएगा. जिस तरह एक डॉक्टर जो एक स्पेशलिस्ट फील्ड का है उसका और एक कंपाउंडर का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही ट्रीट करेगा. और एक दिल का डॉक्टर और एक गुर्दों का डॉक्टर ना दिल को देख सकता है, ना गुर्दे वाला, ना दिल वाला गुर्दे को देख सकता है. सीधी सी बात है. तो ये तो दिस इज समथिंग दैट इज रिटन, दैट इज जो जिससे कोई आप कहते हैं ना कि वो है ही नहीं. लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पे हर बंदे ने हर चीज में टांग अड़ाई हुई. आप खुद देखें कि कंपोजर्स ही खुद गा रहे हैं, देर नॉट गिविंग सिंगर्स चांसेस. ठीक है ना, कंपोजर्स ट्यूने भी खुद बना रहे हैं, लिख भी खुद रहे हैं, गा भी. भाई जब तक आपकी टीम ही नहीं होगी, पुराने जमाने में एक लिखने वाला अलग था,
बनाने वाला अलग था, पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ बैठता था, वो एक तरीका था काम करने का। अब हम मेहनत नहीं करते, हमारे पास सब कुछ घर पे अवेलेबल है और आप बस कहते हैं ना कि सहल पसंदी है एक, आप चाहते हैं कि बस टेक्नोलॉजी ने जिधर जिंदगी आसान की है, आप टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ना, यू शुड बी यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे, इन अ पॉजिटिव वे। आप हर दूसरे लल्लू पंजू को उठा के आप ऑटो ट्यूनर लगा के सिंगर बना देते हैं। मैं तो बहुत ब्लंट हूँ इस मामले में। देखिए आप, मुझे मीडिया पे 12-13 साल रिकग्निशन के इसलिए मिल गए बिकॉज शायद मैं किसी घराने से नहीं थी या मेरा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं था। जिनके बैकग्राउंड होते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म प्लेट में पढ़ के मिल जाते हैं और उनको उस कहते हैं ना उस प्लेटफॉर्म पर आने तक जो स्ट्रगल होती है ना 8-10 साल की, वो नहीं करनी पड़ती, वो साल में ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, ये आपने स्ट्रगल की बात की, म्यूजिक को इंसान एज स्किल भी लेके चल सकता है या एज एजुकेशन लेके चल सकता है? कुछ लोगों को तो बाय बर्थ ही ये स्किल होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, लेकिन उसके ऊपर काम करना और उस पर वो साल देना कितने जरूरी? बिल्कुल जरूरी है, एब्सोल्युटली। आपकी ट्रेनिंग के बगैर, आपकी ग्रूमिंग के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अच्छा खाना नहीं पका सकते अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप स्किल्ड नहीं है, आप 3-4 दफा वो चीज़ नहीं बनाएंगे, आप 5वीं दफा बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है ना? आप ये नहीं कह सकते आपके माँ पैदा होते ही यू आर परफेक्ट, नो। आपकी, आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा रियाज हॉस्टल में बैठ के भी होता था, आई यूज टू सिट इन अ बैल्कनी और बैल्कनी में रात 2 बजे मेरी माँ का फोन आता था कि चलो कुछ सुना दो अब यहाँ पे ना, और नीचे मेरे गार्ड सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। ये सारे मेरे फ्रेंड्स भी आपको बता सकते हैं कि ये बहुत जरूरी है। तो फिर तो आपके घर में वाला एक कल्चर रहा होगा कि घर में मेहमान इकट्ठे हो गए तो चलो वहाँ से। हाँ जी, कल्चर क्या, वो तो आई वॉज ऑलवेज रेडी टू सेइंग कोई फंक्शन होना, कुछ भी होना, तो अब वापस आके मैंने आपसे गाना सुनना है अपनी पसंद का, लेकिन अभी टाइम हो जाता है हमारे सेगमेंट का जो कि है फूडीज। और फूडीज में आज हम क्या खिलाने जा रहे हैं आपको, मजेदार साथ देखें और जल्दी से वापस आए। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से सूप जो है वो 20,000 साल पहले से बन रहा है। वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आज हम फाइंड आउट करते हैं कि आखिर सूप जो है उसकी हिस्ट्री कहां तक जाती है। मेरा नाम हमजा काजी है और आप फूडीज देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से सूप जो है वो तब से बनना स्टार्ट हो गया था जब से हमने वाटरप्रूफ बोल्स या क्ले पॉट्स जो है बनाना शुरू कर दिए थे। इनिशियली जो है वो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में बनता था जिसमें ग्रेन्स को पानी के अंदर जो है वो मिक्स किया जाता था और इंटरेस्टिंगली इवन बॉयल भी नहीं किया जाता था। इसी की एक फॉर्म अगर हम देखें आज तो वो इवॉल्व हो के हम आजकल जो ओट्स खाते हैं या ओट मील खाते हैं वो है, यानी कि हम जैसे मिल्क के अंदर जब ओट्स डालते हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ सूप था उस टाइम के ऊपर। हमारे एंसेस्टर्स ने जो है वो इसको एज अ नेसेसिटी जो है वो पकाना भी शुरू कर दिया था और जब उन्होंने इसको पकाना शुरू किया स्टोन्स के अंदर जो है वो आग जला के, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा और चीज़ें भी ऐड करना स्टार्ट कर दी, जैसे कि मीट है, वेजिटेबल्स हैं, सीड्स, स्पाइसेस, और ये सारी चीज़ें जब उन्होंने इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट की तो उनको बहुत ज़्यादा वैरायटी की ऑप्शंस जो हैं वो सामने नज़र आई और इसलिए जो है वो सूप उस टाइम के ऊपर इतना पॉपुलर जो है फूड बन चुका था कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा थी और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आप कभी इसको वेजिटेबल्स के साथ बना सकते थे, कभी इसको मीट के साथ बना सकते थे, कभी सबको मिक्स करके बना सकते थे, या अगर आपने जो है वो लाइटर सूप पीना है तो आप इसमें सिर्फ ग्रेन्स यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट फूड आइटम रहा है कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी जो थी वो अवेलेबल थी। सूप का जो नाम है उसका ओरिजिन जो है वो सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस में मिलता है जहाँ पे इसको सूपा के नाम से कहा जाता है और वो इमर्स्ड ब्रेड जो होती है वो उसमें लूजली ट्रांसलेट करता है। इसी तरह जो है वो रोमन उसके अंदर जो है वो इसका नेक्स्ट ओरिजिन मिलता है। सिमिलर मीनिंग के साथ जो है वो जर्मन लैंग्वेज में सॉप के नाम से जो है वो वर्ड है और उसका मीनिंग भी जो है वो बिल्कुल यही है कि ब्रेड जो है वो इमर्स्ड इन स्टू। इसी वजह से जो है वो ये नाम इवॉल्व करके जो है वो सूप में ट्रांसफॉर्म कर गया आगे जो है, क्योंकि हम अगर इसमें देखें तो हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो इसमें इमर्स करते हैं तो सूप बनता। एक फन फैक्ट, सूप जो है वो हमारे मॉडर्न डे रेस्टोरेंट्स का जो है उसका ओरिजिन भी जो है वो है। वो कैसे? रेस्टोरेंटिफ जो था वो बेसिकली सूप सर्वर्स जो थे उनको कहा जाता था, यानी जो वेंडर्स जो सर्व सूप करते थे, और यही वर्ड इवॉल्व करके रेस्टोरेंट की फॉर्म में जो है वो यूज़ हो गया और फिर जो है ऑनवर्ड्स आपने देखा है कि रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा मेन्यू जो है वो एक्सपैंड कर गई है। मगर ओरिजिनली जो रेस्टोरेंट्स थे
या रेस्टोरेंटिस्ट जो थे वो सूप सर्व करते थे। रेस्टोरेंटिस्ट जो थे वो बेसिकली 16th सेंचुरी के अंदर जो है वो स्टार्ट हुए और वहाँ से उन्होंने सूप जो है वो लोकल कम्युनिटी को सर्व करना स्टार्ट किया और ये बिज़नेस जो है वो इतना इवॉल्व करता गया कि ये एक्सपैंड करते करते आजकल के रेस्टोरेंट्स की फॉर्म में बन गया। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स सूप को इससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब जो है इसको डिहाइड्रेटेड ड्राई फॉर्म में जो है वो पैकेजिंग करना स्टार्ट हुई, यानी कि आपको सूप जो था वो पैकेट सूप्स की फॉर्म में जो है वो आना शुरू हो गया और ये जो था बहुत ही ईजीली जो है वो ट्रैवलिंग के दौरान साथ कैरी किया जा सकता था, तो ये ट्रैवलर्स के अमंग जो था वो बहुत ही पॉपुलर था, स्पेशली जो भी फौज होती थी उसके अंदर जो है वो उनका एज अ स्टेपल फूड जो है वो ये शामिल होता था। ये पैकेजिंग भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे नेसेसिटी बढ़ती गई तो इवॉल्व करती गई और सूप जो है वो पैकेट से टिन फॉर्म में जो है वो भी आना शुरू हो गया और ट्रैवलर्स ओकेजनली जो है वो प्रेफर करते थे कि वो टिन सूप जो है वो अपने साथ ट्रैवल्स के दौरान ज़रूर कैरी करें क्योंकि जब उनको भूख लगती थी तो ये एक बहुत ही अच्छी जो है वो फूड आइटम होता था और बहुत ही न्यूट्रिशनल होता था। ट्रेडिशनल फ्रेंच क्यूजींस के अंदर जो है वो सूप जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो ओरिजिनेट किया, एक जो है वो थिन सूप था और एक जो है वो थिक सूप था। थिक सूप जो है वो इन दी ओल्ड डेज उसको डिफरेंट तरीक़ों से थिक किया जाता था, जैसे कि राइस उसमें डाल दिया जाता था तो वो थिकर हो जाता था, बट आज के दौर में जो है वो इसको थिकन करने के लिए अंडा या फिर कॉर्नफ्लोर शामिल किया जाता है। थिन क्लियर सूप के अंदर एक बहुत ही पॉपुलर सूप जो है वो थाई सूप है जो कि बिल्कुल रनी होता है और बहुत ही सिंपल होता है बट बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। इसी तरह सूप की और भी बहुत सारी किस्में हैं जिनके अंदर लेंटिल सूप, राइस सूप, नूडल सूप और एक ही बहुत ही मेरा फेवरेट जो सूप है वो है मिनेस्ट्रोनी जो है। उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर जो है वो नूडल्स भी डाले जाते हैं और इस वजह से जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कि वो ऐसा सूप है जिसके अंदर नूडल्स शामिल होता है। मिनेस्ट्रोनी मेरा इसलिए भी फेवरेट सूप है क्योंकि इसके अंदर जो है वो मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल होती हैं, जैसे सेलरी, टोमेटोज़, कैरेट्स, क्रूटॉन्स और उसके अंदर स्पेशल जो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो है नूडल्स। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सूप, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक फ्रेज़ है जिसको कहते हैं अल्फ़ाबेट सूप और ये यूजुअली रेफ़र किया जाता है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एब्रिविएशन का बहुत ही लंबा जो है वो टेल बन जाता है तो उसको जो है अल्फ़ाबेट सूप कहा जाता है। दुनिया भर में सूप की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, कुछ जो है वो इंटरनेशनली जो है वो पसंद की जाती हैं और कुछ जो है वो लोकली पसंद की जाती हैं या लोकल वैरायटीज़ में उसको लोकल क्यूज़ीन के साथ जो है वो शामिल किया जाता है। इसी तरह पाकिस्तान में जो है अगर बात की जाए तो बाहर की जितने भी सूप रेसिपीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली पिया जाता है वो हॉट एंड सार सूप है, चिकन कॉर्न सूप है, थाई सूप है और जैसे कि मेरे सामने इस वक्त पड़ा हुआ है क्रीम ऑफ मशरूम सूप। तो ये सारे डिफरेंट सूप की वैरायटीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में बहुत ही कॉमनली जो है वो मिलती हैं और खाई जा सकती हैं। पाकिस्तान में अगर सूप की बात की जाए तो ना सिर्फ ये बड़े रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है बल्कि इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब बहुत ज़्यादा लोकल स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि वो आपके सूप बनाते हैं और बहुत ही एवरेज कॉस्ट के ऊपर जो है वो सर्व करते हैं, तो इस वजह से जो लोकल लोग हैं जो चाहे शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं या सर्दी का मौसम है तो वो जनरली बाहर निकले हुए होते हैं तो वो इन लोकल वेंडर्स से बहुत शौक से सूप लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत चीपर भी होता है और बहुत ही मज़ेदार भी होता है। सो मशरूम्स और क्रीम का ये डिलिशियस मिक्स जो है वो अब मेरे सामने जो पड़ा हुआ है वो मैं पीऊँगा और आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। जो मौका हमें मिला है वो मैं गंवाना नहीं चाहती, सवालात बहुत हो गए, अब जल्दी से कुछ सुनाना शुरू करें। जी वही ट्रैक थोड़ा सा मैं गुनगुनाती हूँ। हाँ प्लीज खत सुना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक बिकॉज मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि इसमें बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सांस नहीं आती। हाँ। तो थोड़ी सी गलती चलती हुई तो मुझे बिल्कुल बिल्कुल मैं लिखिया वसला वाली तंद कोई बुनी नहीं उसने, मैं लिखिया बारा बरे गुजर गए सुनी नहीं उसने, जी उसनु रो रो के खाली जे हो गए नैन निमाने ने, कोई हौसला हसब वसीला नहीं है होरे ने आने ने, हिजरा दी अगदे
विच तार तार हो गए ने कमले यार, मैं खत पाया जिंदगी नू, मैं खत पाया जिंदगी नू, भेजया खत दे विच प्यार तू आके मिल जावी एक बार, मैं खत पाया जिंदगी नू, मैं खत पाया जिंदगी नू। अरे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अगर मैं भी साथ ही फरमाइश करूं जी जरूर, क्यों नहीं, नैना रोए जरूर, क्यों नहीं। रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा, रूठा मेरा यार मैं कैसे मनावा, दर्द ये कैसे मैं छुपावा, ये नैना रोवे है तेरी मेरी बात, ये नैना रोवे है छोटा तेरा सा। बहुत खूबसूरत। अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी परफॉर्मेंस और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी मौजूद थे, तमाम गवर्नर्स मौजूद थे, वजीर आला मौजूद थे, कौन सी आपकी फेवरेट परफॉर्मेंस आज दिन तक रही? देखिए जी, फर्स्ट टाइम तो आई रिमेम्बर कि जब मैंने ये कैबिनेट का शो करना था, जब प्रेजिडेंसी तो नहीं थी, लाहौर फोर्ट था, कलाम इकबाल का मेरा, आई वाज वेरी यंग, और मेरे साथ राहत फतेह अली खान साहब, अब्रारुल हक, मेरा अरशद, बड़े बड़े सिंगर्स जिनके मैंने नाम सुने, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बिकॉज आई वाज अ किड, तो मैं उनको देख के भी एक्साइटेड होती थी और मुझे हैरानगी होती थी कि आई एम परफॉर्मिंग विद दिस पीपल ना। तो आई स्टिल रिमेंबर कि फरिया जी मेरे पास हैं, फरिया परवेज जी, तो कहती हैं कि मासूम आप बहुत लकी हैं कि आपका स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। उन्होंने जब मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया तो मेरी मदर स्टार्टेड क्राइंग कि भाई ये खुदा की एक करम ही होता है, आपको एक बूस्ट मिलना होता है, क्योंकि मुझे आई थिंक सो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ही बहुत अच्छा काम मिला और बहुत अच्छा काम मैंने किया। तो आई रिमेंबर दैट परफॉर्मेंस, और मुझे अभी तक याद है कि जो सारे कैबिनेट के लोग थे और जितने भी थे, तो मैं जब एक दफ़ा परफॉर्म करके चली गई थी, बिकॉज वो तो आप रिकॉर्डेड बाद में एयर करते हैं, तो फिर मुझे दोबारा बुलाया गया, उन्होंने कहा कि आप फिर दोबारा परफॉर्म करें, फिर आई वेंट ऑन स्टेज अगेन एंड देन आई परफॉर्म्ड अगेन, फिर आई केम बैक, दैट वाज मेमोरेबल। और मैं जब वापस आई तो एज़ यूजुअल मेरी अम्मी रो रही थी and she was crying and everybody अच्छा मासूमा, बिल्कुल एंड की तरफ हम जा रहे हैं, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम दें कि वो लोग भी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कितनी कंसिस्टेंसी की जरूरत है और कितने रियाज की जरूरत है। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अपनी स्टडीज मत छोड़ें, ठीक है, योर स्टडीज शुड बी योर प्लान ए, आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपनी डिग्री ना करें, ठीक है, आप साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, आप जिस भी फील्ड में आप समझते हैं कि आप एक्सेल कर सकते हैं आप उसको परसू ज़रूर करें, लेकिन अपनी स्टडी को ऑन होल्ड मत रखें, ठीक है, डिग्री ज़रूर लें, पढ़ें। हाँ, इफ़ यू वांट टू बी अ सिंगर, इफ़ यू वांट टू बी एनी काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और आपको अपने ट्रैक का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आप सबसे बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप फोकस्ड और आपको पता है अपनी स्किल का, आप उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आपको आप कह सकते, और येस ऑफ कोर्स यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आप जो कह रही थी, क्योंकि अगर आप बीच में दिल हार जाएंगे, क्योंकि वो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते हैं कि आप कभी हिट हैं कभी फ्लॉप हैं, कभी हिट हैं कभी फ्लॉप, तो आपने दिल नहीं हारना है, आपने काम करते रहना है, क्योंकि आप काम करते रहेंगे उसमें कंसिस्टेंसी आती रहेगी तो लोग डेफिनेटली आपको अप्रिसिएशन देंगे ही देंगे। मेरा ख्याल है आपने मैसेज दे दिया, हमारी क्लोजिंग नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आपसे इजाज़त लेंगे, बहुत शुक्रिया मासूमा जी आप आई तशरीफ़ लाई, और मैं ये भी बताते चलूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नॉमिनेट हैं, और जल्द ही जब ये इंशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रिसीव करेंगी तो यहीं पर मौजूद होंगी, और यहाँ से हम एक और प्रोग्राम करेंगे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के मेडल के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और सुबह को। अल्लाह हाफ़िज़।